दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 रुपये और आप एक बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसी के साथ 5000mAh की बैटरी और कम से कम 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इन सभी स्मार्टफोन में आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट के 5वें नंबर पर है आईकू G9X। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.72 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 6000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 44W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 50+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आते हैं और इस स्मार्टफोन के 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 13,399 रुपया। और अगर आप इस स्मार्टफोन के 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस देखेंगे तो इसका भी प्राइस 14,499 रुपया है। उसके बाद 4थे नंबर पर आता है रियलमी नार्जो 70 प्रो। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 67W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये भी स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें भी आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 50+8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 17,299 रुपया, लेकिन ये ऑफर में आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है Vivo T3X 5G। स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.72 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और 6000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 44W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये भी स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें भी आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 50+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और ये भी स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है और इस स्मार्टफोन के 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 13,499 रुपया और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 14,999 रुपया। तो आप iQOO G9X और Vivo T3X इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को अपने कंपनी के हिसाब से बाय कर सकते हो। इन दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है CMA Phone 1। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये भी स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें भी आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 50 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 15,999 रुपया, लेकिन ये ऑफर में आपको 14,999 रुपया में मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटरोला की तरफ से मोटो G64 5G। इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 6000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये भी स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है और इसमें भी आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो इसमें आपको 50+8 MP का OIS कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 14,999 रुपया, लेकिन अगर आप इसके 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस देखेंगे तो 16,999 रुपया है। तो दोस्तों, यही 5 स्मार्टफोन थे जिन्हें कि आप 15,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया।